अगर आपकी भी लोअर बॉडी बहुत हैवी है, थाई और हिप फैट इतना ज्यादा है कि अपने पसंद के ड्रेस नहीं डाल पाते, कोई जींस डालो तो वो थाई से ऊपर नहीं जाती, उसके बटन हम नहीं लगा पाते, अगर ऐसी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आज मैं आपको बहुत ही इजी एक्सरसाइज बताने वाली हूँ, जिसको अगर आप 2 हफ्ते तक लगातार फॉलो करते हैं तो आपकी लोअर बॉडी से काफी हद तक फैट रिड्यूस हो जाएगा, और अगर आप डेली इन एक्सरसाइज को करेंगे तो बहुत जल्दी आपका जो लोअर बॉडी है एकदम शेप में आ जाएगा। आपने इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी लोअर बॉडी फैट कम करने के लिए, लेकिन वो सारी एक्सरसाइज इतनी हार्ड होती है जिसको हर कोई फॉलो नहीं कर सकता, इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको इस मैट पर लेटकर सारी एक्सरसाइज बताऊंगी। आप मैट की जगह बेड पर भी लेटकर इन सभी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही जबरदस्त इफेक्टिव एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। आपको बता दूं कि जब मेरा वजन बहुत ज्यादा था ना, आज से 4 साल पहले, तो मेरी लोअर बॉडी से भी मैं बहुत परेशान थी, रहती थी, और इन एक्सरसाइज को करके ही मैंने अपने लोअर बॉडी से सारा का सारा फैट खत्म कर दिया। तो आपका भी फैट जरूर कम होगा, बस आपको एक्सक्यूजेस नहीं देना है। अगर मॉर्निंग में एक्सरसाइज मिस हो गया है तो दिन में कभी भी टाइम निकालकर कीजिए, लेकिन एक्सरसाइज करना आपको जरूर है। एक चीज बस ध्यान रखना है कि खाना खाने के तुरंत बाद हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। खाना खाने के लगभग 2.5 से 3 घंटे बाद आपको कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करना चाहिए। आप रात को सोने से पहले भी ये एक्सरसाइज करके सो सकते हैं, बस आपको अपना डिनर जो है ना वो सोने से 3 घंटे पहले कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम इस तरह से पहले तो वज्रासन में बैठ जाएंगे, इसके बाद पेट को बिल्कुल अंदर की तरफ इन कर लेना है, टाइट रखना है पेट बिल्कुल। अब इस तरह से आपको बैठना है और उठना है। नीचे जाएंगे तो सांस अंदर भरेंगे, ऊपर उठेंगे तो सांस बाहर छोड़ेंगे। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, इसी तरीके से परफॉर्म करेंगे और इसके हम 20 रेपिटेशन लगाएंगे। सर को देखिए झुका के नहीं करना है, आपका सर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, सामने देखना है और इसी तरीके से परफॉर्म करना है और 2 राउंड लगा लेना है इस एक्सरसाइज के। आप इस एक्सरसाइज को अपने बेड पर भी लेटकर कर सकते हैं, बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जो बेड का गद्दा है ना वो ज़्यादा सॉफ्ट है अगर, तब आप इसको मैट के ऊपर करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। तो पैरों का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आपको आगे नहीं रखना है, पैर को बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं रखना है, बिल्कुल इस तरह से नॉर्मल डिस्टेंस पर पैर रखेंगे, हाथ साइड में रहेगा और अब हिप्स ऊपर की तरफ उठाएंगे। दिस एक्सरसाइज इज हिप थ्रस्ट और ब्रिज अप्स, दोनों ही आप इसको बोल सकते हैं, और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है लोअर बॉडी फैट कम करने के लिए। अगर आप ज़्यादा उछल कूद करके या बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज से अपना वज़न कम नहीं करना चाहते, या आपके लिए मुश्किल होता है कोई भी हार्ड एक्सरसाइज करना, तो आप इन आसान एक्सरसाइज को ट्राई करें, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। जब हिप्स को ऊपर उठाएंगे तो सांस बाहर छोड़ेंगे, हिप्स नीचे लेकर आएंगे तो सांस अंदर भरेंगे। ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन, इस तरीके से आपकी सांसें चलेंगी। और इस एक्सरसाइज को भी आपको 20 टाइम्स रिपीट कर लेना है, काउंट करके 2 राउंड लगा लीजिएगा इसके भी। सबसे आसान और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज बता रही हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी हमारा पोजीशन सेम रहेगा, बस एक पैर को उठाएंगे, पैर को थोड़ा दूसरे पैर को क्लोज ले आएंगे और इस तरह से हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है और थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है ब्रिज अप्स का, तो आप इसको ट्राई ज़रूर करें। अगर आप ज़्यादा देर नहीं कर पाते तो एक पैर से इसके 5 रेपिटेशन, दूसरे पैर से 5 रेपिटेशन, मतलब सिर्फ 10 रेपिटेशन आप इसके करें। स्टार्टिंग में आप इसको अपने कंफर्ट के हिसाब से करें, जैसे जैसे आप यूज टू हो जाए, आपका स्टैमिना बिल्ड होने लगे, तो आप दोनों ही पैर से इसके 20-20 रेपिटेशन एंड 2 राउंड कर लेंगे। इन एक्सरसाइज के साथ में एक अच्छा डाइट लेना भी बहुत ज़रूरी है, तो एक हेल्दी डाइट ज़रूर फॉलो करें। डाइट प्लान आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। बहुत ही इजी स्टेप है। तो इस तरह से पैर को 90 डिग्री एंगल पर उठाना है, इस तरह से नी बेंड रखना है। अब आपको फॉरवर्ड साइकिलिंग करनी है इस तरह से। यहाँ आप ब्रीद इन कंटिन्यू कर सकते हैं, यहाँ आपको सांसों का कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। कंटिन्यू ब्रीद इन ब्रीद आउट एंड इस तरह से फॉरवर्ड साइकिलिंग करें 20 टाइम्स काउंट करके। पेट को बिल्कुल टाइट रखें और जब 20 काउंट कंप्लीट हो जाए आपका, तब हम बैकवर्ड साइकिलिंग करेंगे इस तरह से, ठीक है। रिवर्स साइकिलिंग करेंगे 20 रेपिटेशन। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, 2 राउंड ज़रूर लगा लीजिएगा इसके।
अब इससे आसान एक्सरसाइज आपको मिल नहीं सकती है। अगर आप सच में अपने लोअर बॉडी से परेशान हैं, उसको कम करना चाहते हैं, तो इससे बेहतर एक्सरसाइज कोई नहीं होगा। आप इसके अलावा कोई भी एक्सरसाइज ढूंढेंगे तो बहुत ही हार्ड होगा। इसको करिए, आपका थाई हिप फैट भी कम होगा और अगर आपका बेली फैट ज़्यादा है तो वो भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो पैरों को इस तरह से उठाना है, अगर आपको पैर उठाने में दिक्कत हो तो दोनों हाथ को बटक्स के नीचे रख लीजिए, फिर आपका पैर बहुत आसानी से ऊपर उठ जाएगा। अब आपको इस तरह से वी शेप में अपने पैर को मूव करना है, दोनों पैरों को फैलाना है, जितना आप फैला सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से उतना आप स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए अपने पैरों को, और इसके एटलीस्ट 15 रेपिटेशन लगा लीजिएगा। थोड़ी सी इंटेंस एक्सरसाइज है, अगर आप बिगिनर हैं या नए अभी एक्सरसाइज में आए हैं तो हो सकता है कि इस एक्सरसाइज को करने में आपको थोड़ी मुश्किल आए, बट गिव अप मत कीजिएगा। स्टार्टिंग में आप जितना कर सकते हैं उतना अपने कंफर्ट के हिसाब से कीजिए, जैसे जैसे आपकी हैबिट बनती चली जाएगी, आप रेगुलर करते चले जाएंगे इन एक्सरसाइज को, तो फिर आप बहुत आसानी से इसकी 15, 20, 25 रेपिटेशन तक लगा पाएंगे। तो इसके आप 20 रेपिटेशन और 2 राउंड ज़रूर करें जब आप एडवांस लेवल पर पहुंच जाएं। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज थाई हिप और बेली फैट को साथ साथ कम करने की। देखते ही देखते आज की आखिरी एक्सरसाइज पर हम पहुंच चुके हैं, जो कि है मलासन। तो इस तरह से आपको बैठना है, दोनों कोहनियों से इस तरह से अपने पैर को अच्छे से स्ट्रेच कर लेना है और इस तरह से प्रणाम की मुद्रा बना लेना है। पैर को अगर आप थोड़ा सा अपनी एरियों को इस तरह से अगर उठा लेते हैं तो ये एक्सरसाइज और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, और इस पोजीशन में आपको होल्ड करना है जितनी देर आप कर सकते हैं। अपने कंफर्ट के हिसाब से कीजिए, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, एटलीस्ट 30 सेकेंड तक ज़रूर होल्ड कीजिए। बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग है, एक्सरसाइज के बाद आपके मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स कर देगा, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है, आपका पेट साफ नहीं होता, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी ठीक हो जाएंगी। साइड पोज भी अच्छे से देख लीजिए, बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और 30 सेकेंड इस पोजिशन में हमें होल्ड करना है, और बस हो गया। तो इसी के साथ आज की सारी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आपको सारी एक्सरसाइज इजी लगी होंगी, और मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि कुछ ऐसा वर्कआउट लेकर आया जाए जिसको हर कोई कर सके, किसी को भी करने में कोई मुश्किल ना आए। तो इस एक्सरसाइज को लगातार 2 हफ्ते जरूर फॉलो कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और इन एक्सरसाइज को करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप जरूर कीजिएगा, जिससे आपको बाद में मसल्स पेन कम रहेगा और एक्सरसाइज से बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इन एक्सरसाइज के साथ साथ यहाँ कुछ डाइट प्लान आपको दिख रहा होगा जिसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। एक अच्छा डाइट लेना भी बहुत जरूरी होता है, इसलिए एक अच्छा डाइट लेते रहिए और आज की इन एक्सरसाइज को फॉलो करते रहिए। बहुत जल्दी आपका लोअर बॉडी फैट भी कम हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसी और हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए इसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।